तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 पर चर्चा कर रहे थे और कल हमने 27वें श्लोक 27वां अध्याय किया था, आज हम 28वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अट्ठाईसवां अध्याय अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। ठीक है, ये अध्याय का शीर्षक है। तो ओके, तो इसमें इस अध्याय 28 में पहले शुरू के 27 श्लोकों में पुरंजन की मृत्यु के बारे में, फिर किस तरीके से पुरंजन अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में पैदा होता है 28 से 32 श्लोक में, और फिर उस स्त्री की चर्चा माल्यध्वज और वैदर्भी, उस स्त्री का नाम वैदर्भी था, और फिर उसके उदाहरण से एक शिष्य को कैसा होना चाहिए उस पर चर्चा 43 से 50, 51 से 65 अविज्ञात जो है उसके द्वारा वैदर्भी को शिक्षा। ठीक है, तो 1 से 27 श्लोक में पुरंजन की मृत्यु के बारे में बताया गया है, यानी कि जो इस शरीर को छोड़ने का विधि बताया गया है, पुरंजन की डेथ माने पुरंजन जो है वो एक शरीर में है तो वो किस तरीके से शरीर को छोड़ना चाहिए। ओके, तो प्रज्वार के द्वारा आक्रमण, काल कन्या तथा यवनों के द्वारा पुरंजन की के शहर पर आक्रमण, ये सब बातों को हम करेंगे। 28वां अध्याय श्लोक संख्या 1। नारद उवाचा सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वार काल कन्याभ्याम विचेरुर्वनीमिमाम। नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, सैनिका सैनिक भय नामना भय के जे जो बर्हिष्मन है राजा प्राचीन बरिषद, दिष्टकारिणा काल की आज्ञा के पालक, प्रज्वार प्रज्वार काल कन्याभ्याम तथा काल कन्या सहित विचेरु घूमने लगे अवनीम पृथ्वी पर इमाम। इस नारद मुनि ने आगे कहा कि हे राजा प्राचीन बरिषद, तत्पश्चात यवन राज साक्षात भय प्रज्वार काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगे। कल हमने चर्चा करी थी किससे से काल कन्या और का जो है जरा और भय का विवाह हुआ, वो सब पर हमने प्रज्वार और जय का विवाह वो सब हमने कल चर्चा किया था। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है, क्योंकि प्रायः इसी में निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं, इनका संचालन यवन राज करता है। दिष्टकारिणा शब्द सूचित करता है कि यह उनका संचालक है। तो जब मनुष्य जवान होता है तो बुढ़ापे की परवाह नहीं करता और मन भर कर स्त्री संभोग करता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तब तो वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जो मनुष्य युवावस्था में जितना ही स्त्री संभोग करता है वह बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। बुढ़ापे में व्यक्ति को उतना ही कष्ट, जितना उसने जवानी में स्त्री संभोग ज़्यादा करेगा उतना बुढ़ापे में उसको कष्ट भोगने पड़ेंगे। ठीक है, ता एकदा तूरभ सा पुरंजन पुरीम नृप रुरुधु भौम भोग आड्याम जरत्पन्नग पालिताम तेवे। एकदा एक बार तू तब रभसा अत्यंत वेग से पुरंजन पुरीम पुरंजन की नगरी को नृप हे राजा रुरुधु घेर लिया। भौम भोग आड्याम इंद्रिय भोग से परिपूर्ण जरत बूढ़ा पन्नग सर्प द्वारा पालिताम सुरक्षित। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया, यद्यपि यह नगरी भोग किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था।
इंद्रिय तृप्ति में, एक सेकेंड, ओके, इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है, अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है तो उसकी प्रिया पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति कारण वह निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है, और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है, कोई भक्ति नहीं कर पाता, जीवन भर उसने इंद्रिय भोग किया है। तो वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता, वह अपनी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंतकाल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वह परिवार को कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। तो भगवद गीता में 8.6 के अनुसार, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है उस स्थिति को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो जीवन के अंतकाल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है, और इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार तथा इच्छाएँ होती हैं उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। देहांत जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में अपनी प्राण प्रिया पत्नी के विषय में सोचे। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने घर गृहस्थी में लगाया है वो अंत समय में अपनी पत्नी के बारे में ही सोचेगा। अतः अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे पुण्य पाप कर्मों का फल भी मिलता है। तो इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देह प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है किस तरीके से स्त्री देह प्राप्त होती है। काल कन्या पी बुभुजे पुरंजन पुरम बलात् ययाभिभूतः पुरुषा सद्यो निसारताम इयात्। कालकन्या, काल की पुत्री ने अपी भी बुभुजे अधिकार कर लिया पुरंजन की नगरी पर बलात् बलपूर्वक, यया जिसके द्वारा अभिभूत चंगुल में फंसकर पुरुषा मनुष्य सद्या तुरंत निसारताम निकम्पापन इयात प्राप्त करता है। धीरे धीरे कालकन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सही प्रकार से निकम्मा बना दिया। ठीक है, जीवन के अंत समय तो बुढ़ापे से तुलना हो रही है ना इसकी कालकन्या की, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। तो जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता, इसलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है, ये सिस्टम है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। सब सीधी सीधी बात है, उसमें तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। कितनी अच्छी बात है, अगर सही समय पर विवाह होगा, सही समय पर पुत्र होगा, तो जब व्यक्ति 50 साल का होगा और घर छोड़ने वाला होगा उस समय क्या होगा कि व्यक्ति को जो है उनका जो बेटा होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा कि परिवार का उत्तरदायित्व तो समझ सकेगा, है कि नहीं। तो ये बात को समझना चाहिए। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए, तब ये पति पत्नी आराम से दूर दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो
तो जब अब आजकल जैसे बहुत लेट लोग शादी करते हैं, फिर लेट ही उनको बच्चे होते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, पर बच्चों के बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि वो जीवन का उत्तरदायित्व उठा सकें घर का। तो उस समय सही समय पे होता था विवाह और सही समय पे बच्चे हो जाते थे। तो फिर पति पत्नी अपना 50 साल के बाद अपना तीर्थ स्थान घूमते थे और भगवान की भक्ति में समय देते थे। तो जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं, तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। ठीक है, पत्नी आ जाती वापस और वो अपना घर गृहस्थी के कामों से दूर रहती है और पति संन्यास ले लेता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल के समय में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो है जो पुरुष हैं वो उतने पावरफुल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब लड़का जो है लड़के का जब वीर प्रबल होगा तो लड़का पैदा होगा, और अगर स्त्री प्रबल हुई तो लड़की पैदा होती है। ठीक है, तो अगर किसी को विवाह के बाद पुत्र ही चाहिए तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार करने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश ना तो बचपन में ऐसी कोई शिक्षा का कोई प्रबंध है और ना ही अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी इस देह की। तो ये स्थिति है कि बचपन में तो कोई भक्ति किया नहीं, सिखाया नहीं, कोई सिस्टम नहीं था, और बुढ़ापे में कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो इस तरीके से व्यक्ति फंस जाता है। ठीक है, तयोपभुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशं द्वार भी प्रविश्य सुभृशं प्रार्दरण्य सकलां पुरीं तया कालकन्या द्वारा उपभुज्यमानां अधिकृत वै निश्चय यवना यवनगण सर्वता दिशं सभी दिशाओं से द्वार भी द्वारों से प्रविश्य घुसकर सुभृशं अत्यधिक प्रार्दयन कष्ट देते हुए सकलां सर्वतपुरीं नगरी में। ओके, तो जब कालकन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। तो शरीर में अब पुरंजन का जो शहर है वो 9 द्वार हैं, उसमें शरीर की तुलना उससे हुई है तो शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 नथने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा शिश्न। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य होता है। उदाहरणार्थ आँखों की ज्योति कम पड़ जाती है। इस तरीके से बुढ़ापा में जैसे ही व्यक्ति को बुढ़ापा आएगा तो इन 9 द्वारों में कुछ ना कुछ समस्या चालू हो जाएगी। आँखों की ज्योति कम पड़ जाती है, जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है, और कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है, तथा सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। नथुने कब से सड़ जाते हैं और मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देने लगती है और ठीक से शौच नहीं हो पाता। कभी कभी एनीमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से न निकलने से कभी कभी अन्य सर्जिकल नली व्यवहार में लानी पड़ती है। सब आप सबको पता है। इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। यानी कि जब बुढ़ापा आएगा तो उसके साथ साथ जो और जो चीज़ें आएंगी वो इन 9 द्वार जो शरीर में 9 छिद्र हैं उनमें बीमारियों के रूप में आएगा। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। तस्याम प्रपीड्यमानायाम अभिमानी पुरंजना अवापोरु विधानस्तापान कुटुंबी ममता कुला। तस्याम उस नगरी के प्रपीड्यमानायाम विभिन्न कष्टों में पड़कर अभिमानी अत्यधिक लिप्त पुरंजन राजा पुरंजन ने अवाप प्राप्त किया। उरु अनेक विधान प्रकार के तापान क्लेश कुटुंबी परिवार वाले ममता अकुला परिवार से लगाव कारण अत्यधिक व्यग्र। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग मन बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं। वृद्धावस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो सब चीज़ें मन बुद्धि अहंकार शरीर के अंग सब वीक पड़ जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घेरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम ना कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर कर्मभूमि क्षेत्र है।
जब खेत में तरह तरह के झाड़ झंखाड़ उगाते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। यह स्थिति आत्मा की हो जाती है। जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है, शरीर के ठीक से काम न करने तथा चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लगता रहता है। बुढ़ापे में कई तरह के कष्ट आ जाते हैं, व्यक्ति को इस चीज़ कर नहीं सकता है, बड़ा दुखी रहता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को बचपन से ही भक्ति सीखना चाहिए। यंग एज में भक्ति सीख लेने से बुढ़ापे में भक्ति करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो है 28वें अध्याय के 5 श्लोक तक हम आज करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न है तो 10 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं। 6वां श्लोक से हम कल करेंगे, ठीक है।